सखी सहेली सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली के मंच पर एक बार सभी का स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। और जो माहौल बना हुआ है उसको बरकरार रखते हुए उस आनंद की अनुभूति जो हमारे सभी के दिल में हिलोरें ले रही हैं, उसका आनंद तो है, लेकिन जाहिर है कि और भी विषय हम लेकर हाजिर हैं। आज पराक्रम दिवस है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, तो उनके बारे में बात करेंगे जी। और नुस्खे में हम गोंद की बात करेंगे। तो जी हाँ, दादी माँ के नुस्खे में हम गोंद की बात करेंगे। गीत मंजरी में आज का विषय है माझी नैया जी। तो माझी नैया कैसे बन जाता है खेवैया, और चलेंगे खेवैया के पास भी। और खेवैया की जब बात आती है तो तारणहार जो है ये भवसागर से पार कराने वाले श्री रामचंद्र जी, और कणकण में जो बसे वो राम जी, ये जो हमारा आज का विषय है वो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथियों ने उसे और महत्वपूर्ण बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि हम सब तरफ यही देखते हैं कि प्रकृति हो चाहे कुछ भी चीज हो, सब में वही भाव हमें दिखते हैं। अगर आपके अंदर निश्चलता है, सादगी है, सज्जनता है, प्यार है, ममता है, तो आपको हर जगह वही दिखाई देंगे। और ये भी कह सकते हैं कि आप के खुद में भी राम ही दिखेंगे अगर आपने वही सब कुछ पालन कर लिया। तो ये कह सकते हैं कि जो कल स्थापना हुई है वो सदाचार की स्थापना हुई है, निष्ठा की स्थापना हुई है, निश्चल मन की स्थापना हुई है। और क्या हम अपने अंदर उस तरीके का भाव पैदा कर सकते हैं जी। ऐसा है मंजरी जी कि उससे पहले बिटिया हम लोगों ने तो चौपाई सुनाई नहीं। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचत जन जिय जो, ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहू। बिल्कुल, राम जो है वो सब जगह कण कण, इसका अर्थ है दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। आखर मधुर मनोहर दो, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, राम के बारे में ये कहा जा रहा है, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, ऐसे हैं श्री राम। राम का इन्होंने कहा है आखर मधुर मनोहर दो, तो दोनों नेत्र के समान है। तो भाई ऐसा जिसका नाम हो उसके क्या कहने। बिल्कुल, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो हमें चारों तरफ वो ही दिखाई देते हैं जी। क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर वो ना हो, यानी प्रकृति के कण कण में है, जड़ चेतन सभी में वो व्याप्त हैं, समाये हुए हैं। और चाहे हम आकाश की बात करें, चाहे पाताल की बात करें, सब जगह रोम रोम में, अपने रोम रोम में भी कहते हैं कि राम ही राम समाये हुए हैं। तो इसका अर्थ ये भी है कि पर्यावरण प्रकृति में भी, पत्तों पत्तों में, शाखों में, सभी में है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम पर्यावरण के प्रति भी सजग हों, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम उसमें राम देखेंगे तो जैसे पूजनीय है, वंदनीय है, तो उसकी भी हम पूजा करेंगे, वंदना करेंगे। ये व्यावहारिक बात हुई। और राम शब्द का अर्थ ही कुछ ऐसा है ना कि मंजरी बेटिया हमें ऐसा ही जो कह रही हो ना कि सब जगह व्याप्त है। तो राम शब्द संस्कृत के रम और घम से मिलकर बना है, घम से। तो रम का अर्थ है रमना या समा जाना, जैसे रम गए ना उसमें कहते हैं हम। और घम का अर्थ है ब्रह्मांड, खाली स्थान। ब्रह्मांड हम कहते हैं शून्य है, ये बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से राम का अर्थ है सकल ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में निहित है, रमा हुआ है, रचा बसा है। तो जैसे अभी तुमने बताया ना कि चराचर में विद्यमान है, सभी जगह विद्यमान है। तो रमन्ते योगिनः अस्मिन् सारामम् उच्यते, योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं, जिसका हम इंतजार करते हैं, जिस लिए हम ध्यान करते हैं, उसे राम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम पारिवारिक तौर पर देखें, सामाजिक तौर पर देखें, अपने जीवन को उससे जोड़कर अगर देखें, कि अब हम सोचेंगे कि क्या हम साधु संन्यासी हो जाएं,
तुम तो यही कहोगे तो नहीं कमजोर छोड़ दे बुआ क्या आप तो ऐसे कह रही हैं ऐसा नहीं कहेंगे हाँ, क्योंकि हम पारिवारिक हैं परिवार में रहते हैं तो हम उस तरह से अपने आप को देखेंगे कि परिवार में भाई बहन होते हैं रिश्ते होते हैं कई नाते होते हैं तो हमें उनके बीच अपना कैसा कैसे उनको संबोधित करना है कैसे उनका आदर मान सम्मान करना है कैसे उनकी बातों को हमें मानना है ये हम अपने परिवार में रहते हुए उन सभी आदर्शों का पालन करें पालन कर सकते हैं और करना भी चाहिए जी। और हमारे साथियों ने भी कुछ बहुत सारी चीजें हाँ, लिखकर भेजी हैं वो लिखते हैं कि एक साथी लिखते हैं कि मतलब बहुत सारे सभी लिख रहे हैं तो हम एक नहीं कह सकते मन बहुत प्रफुल्लित है क्यों ना हो राम लला विराजे हैं अपने धाम कल मंदिर में दर्शन करने गई थी और वहीं अन्य श्रद्धालुओं के साथ प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण देखा सभी भक्तों की आंखें आस्था और श्रद्धा से तरबतर होकर बहने लगी थी पूरा माहौल भक्तिमय था क्यों ना हो जिस राम नाम को स्वयं भगवान भोलेनाथ जपते हो जिनके नाम के प्रभाव से ही मरने वाले प्राणी को मुक्ति मिल जाती है उस राम नाम में तो संसार का सारा आनंद सारा सुख और सारा संतोष समाया हुआ है क्या बात है श्री राम बोला तो देखो यही बात है ना कि हम जो कह रहे हैं कि व्यावहारिक तौर पर जैसे तुमने कहा कि हम एक आदर्श भाई बन सकते हैं एक आदर्श पत्नी बन सकते हैं पुत्र बन सकते हैं जैसे आज्ञाकारी वो पुत्र थे माँ कैकेयी के लिए भी उनके मन में उतनी ही श्रद्धा थी 14 वर्ष का वनवास मिलने के बाद भी कहीं से भी श्रद्धा में कमी नहीं थी जैसे उन्होंने गुरुजनों का आदर किया उनके आज्ञा का पालन किया वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो हम एक भजन सुनते हैं फिर हम बाकी बातें करते हैं चिरंतन राम के गुण चिरंतन
सुलगम स्वरूप सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर सुजन रंजन रूप शुभ कर सुजन रंजन रूप शुभ कर राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करि रे धन करि राम का गुण गान करि राम का गुण गान करि राम का गुण गान करि रे राम प्रभु की भद्र तो राम का गुणगान यानी कि हर चीज़ का गुणगान होना चाहिए जिसमें भाव हो, सुंदर सजीव भाव हो उनका। देखो हमने कहा ना कि राम में बसे हैं, तो राम का जब अर्थ होता है तो भी उसका भी कुछ मायने है। दो बार जो कहते हैं उसके बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि हम दो बार क्यों कहते हैं राम राम शब्द जब भी अभिवादन करते हैं, तो इसके पीछे वैदिक दृष्टिकोण माना जाता है। इसके अनुसार पूर्ण ब्रह्म का मात्रिक गुणांक 108 है। राम राम शब्द दो बार कहने से पूरा हो जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है और आ की मात्रा दूसरा, तो म इन्होंने लिखा है आ की मात्रा दूसरा और म जो है 25वां अक्षर है, तो इस तरह से दोनों मिलाकर 27 हो जाता है। 27 प्लस 2 प्लस 25 54 हो जाता है, अर्थात एक राम का योग 54 हुआ और दो बार राम राम कहने से 108 हो जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में र इन्होंने लिखा है, हाँ एक बार फिर से स्पष्ट कर दें हमने कुछ गलत पढ़ा है, हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर है, तो इन तीनों को मिलाते हैं 27 2 25 54 होता है, इसको जब दो बार हम मिलाते हैं तो 108। तो एक बार राम कहने से केवल 54 होता है, दो बार इसीलिए कहा जाता है कि राम राम यानी 108 हो जाता है। ये जो है 108 हम सब जानते हैं कि ब्रह्म का मात्रिक गुण है, हम माला भी जपते हैं तो 108 बार करते हैं। और एक संदेश में लिखते हैं कि भारतीय मन हर स्थिति में राम को साक्षी बनाने का आदि है, दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चितता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, सुशासन के लिए राम राज, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य जैसी अभिव्यक्तियां पग पग पर राम को साथ खड़ा करती हैं। राम भी इतने सरल हैं कि हर जगह खड़े हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं उसके लिए राम है, निर्बल के बल राम, कण कण में श्री राम। इस तरह से बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है। ऐसे ही कल के बारे में हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि किस तरह से वो 11:20 से टेलीविजन पर लाइव देख रही थी और टकटकी लगाए बैठी रही, पूरा देश जो है इन्होंने लिखा है कि देश विदेश में सभी लोग टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे। हर घर की इन्होंने वर्णन किया है, कैसे झंडा लहरा रहा था, घर घर दीप जले, दिवाली मनाई गई। और इन्होंने अंतिम पंक्ति जो लिखी बड़ी प्यारी है, मेरे मन में है राम, मेरे मन तन में है राम, मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे सांसों की नगरिया में राम है। और इसी के साथ लेते हैं अंतराल। अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं बुआ, और हम लोग बात कर रहे थे सभी के संदेशों की, बातें चल रही थी। बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, बड़े सुंदर भाव हैं जी। लिखते हैं कि रोम रोम में बसे हैं राम, पूजा के समय राम को याद करूं या काम बिगड़ने पर मेरे मुख से निकल ही जाता है अरे राम ये क्या किया। मुझे ये भी सुनने को मिलता है गलती तुम्हारी थी, दोष राम को दे रही हूँ पर मैं उन्हें दोष नहीं दे रही हूँ, मैं राम को याद करती हूँ कि मेरे साथ थे, तो ये गलती क्यों
होने दिया। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि जब भी गैस पर रखी पतीली में दूध जल जाए या बड़ा अनिष्ट हुआ तो मुझे मेरे राम बहुत याद आते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ध्यान से इन्होंने ना याद रखा हो। कह रही है ना कि हमारे साथ थे तो फिर कैसे हो गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी जो आस्था थी कि हमारे साथ है तो मन कमजोर रहा होगा कि हैं भी कि नहीं है, क्योंकि अक्सर ये रहता है फिर भी हम डरते रहते हैं। बिल्कुल। और जब हम दूध चढ़ाते हैं तो खासतौर से रहता कहीं बह ना जाए। बिल्कुल। तो अगर जाते हैं तो फिर होता ही, तो कहीं अगर आपके मन में है कि कहीं बह ना जाए तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं संशय है मन में, और फिर उसका असर हमें दिख ही जाता है। और बहुत सारी और भी प्यारी प्यारी बातें हैं, कुछ पंक्तियां बड़ी प्यारी सी हैं। राम उठत राम चलत, राम शाम भोर हैं, राम बुद्धि राम चित्त, राम मन विभोर हैं, राम शब्द राम अर्थ, राम ही परमार्थ हैं, राम कर्म राम भाग्य, राम ही पुरुषार्थ हैं, राम भोग राम त्याग, राम तत्व ज्ञान है, राम भक्ति राम प्रेम, राम ही विज्ञान है, राम स्नेह राम राग, राम ही अनुराग है जी, राम कली राम कुसुम, राम ही पराग है, राम स्वर्ग राम मोक्ष, राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म, राम ही आराध्य है। तो भाई इस तरह से हम लोग जो कह रहे हैं कि कणकण में जो बसे वही राम है, तो प्रयास यही होना चाहिए कि जैसे उन्होंने सबरी से जो स्नेह था उनका, उसका इतना सम्मान किया कि उन्होंने उनके चखे हुए जो बेर थे उसका, उसको मतलब सर आंखों पर लिया, कितने प्यार से उन्होंने खाया, उसकी मिठास जो थी उसका आनंद लिया। तो कहीं ना कहीं क्या हम ये कर पा रहे हैं सामान्य जीवन में, उसको क्या आत्मसात कर सकते हैं? ऐसे ही केवट जो है, निषाद राज केवट का कैसे उन्होंने सम्मान किया, हर वर्ग को किस तरह से वो साथ लेकर चले, छोटी से छोटी बातों को अगर हम ध्यान से उनकी जीवन की देखें तो हम अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं। सकते हैं नहीं, हम उतार लो। हाँ, इसीलिए कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि हम लोग अपने प्राण का एक बार फिर से आकलन करें और फिर से रह गई हो तो उसको बिल्कुल पुनः उसकी स्थापना की जा सकती है, और किस तरह से उसको फिर से स्थापित किया जा सकता है पुनः, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए साथियों। और इसीलिए हम लोग, आप कहेंगे कि कल ये हुआ था तो आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, तो कल कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी ये विषय ऐसा है कुछ के दिल हुआ कि नहीं इस पर बात होनी ही चाहिए। और हमें उम्मीद है कि साथियों कि आपको भी बहुत मजा आया होगा, और भी बहुत प्यारे प्यारे संदेश हैं, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस की भी बात करेंगे। एक हाँ मिल गया, कणकण में जो बसे वो राम, वह क्या बात है। राम और कण ये तो व्यष्टि और समष्टि का प्रतिबिंब है, कण व्यष्टि और राम कण स्वरूप व्यष्टि की व्यापकता में भी और प्रत्येक कण की समग्रता में भी, बस केवल अनुभूति का विषय है। हर की अनुभूति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन अलग अलग अनुभूतियों में राम एक ही है। तभी तो राम रमण किया करते हैं, योग क्षेम वहन किया करते हैं। अरे वो है कोई काम जिसे राम नहीं किया करते हैं। हम लोग तो बस और हां बस केवल उनके ही तभी तो कृपाकांक्षी रहा करते हैं, फिर उनके ही गुणगान कहा करते हैं कि जर्रे जर्रे कणकण में बसे मोरे राम रे। क्या बात है। तो बुआ इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं। जो
तो बुआ देखिए हम लोग अगले विषय पर आ जाते हैं, अपना जो विषय है भैया सब इंतजार कर रहे हैं और सबको पता है जी क्या विषय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल के दिनों में उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी थे। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आजादी की लड़ाई में कई बार जेल गए, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र जी का प्रसिद्ध नारा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से काफी प्रभावित थे, ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। और एक लिखते हैं कि पराक्रम दिवस मनाकर पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करता है, उनके योगदानों को याद करता है। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आजादी के जंग में उनका ओजस्वी नारा, जैसा कि आपने अभी बताया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने पूरे देश में हर भारतीय के खून में उबाल ला दिया था और आजादी के जंग में एक नई जान फूंक दी थी। भारत माता के इस वीर सपूत के जन्म दिवस को याद करते हुए हम पराक्रम दिवस मनाते हैं। जी हाँ, सभी साथियों ने हमारे सब बातें ऐसी ही कुछ कुछ लिखकर सभी ने कहा है, शत-शत नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, और जैसे कि भारत के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो योगदान दिया था उसको ही हम याद कर रहे हैं, एक प्रेरणा स्रोत है वो हम सभी के लिए जी। और लाखों भारतीय युवाओं के आदर्श नेता के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने आजादी की सबके हृदय में अलग जगाई और एकता के सूत्र में भी उन्होंने बांधा। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि जय हिंद चलो दिल्ली जैसे नारों से सबको प्रोत्साहित किया था जी हाँ, और आजादी की मशाल जल उठी थी। बिल्कुल, राष्ट्रवादी स्वभाव सभी को पता था, समझ में आ रहा था। और उनके पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। स्कूल के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण वहां से उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। आजादी की जंग में जाने के लिए नौकरी भी उन्होंने ठुकरा दी, जो भारतीय सिविल सेवा से जुड़ी हुई थी, बहुत मुश्किल परीक्षा थी, वो उन्होंने पास किया था, इतने मेधावी थे वो जी। और 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, वे उससे बड़े विचलित हो उठे और तब उन्होंने निर्णय किया कि वे आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेंगे, और जिसके कारण कई बार वो जेल भी गए। और उन्होंने आजाद हिंद सरकार की 1947 में स्थापना करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन भी किया उन्होंने, और इसके बाद अपनी फौज के साथ बर्मा पहुंचे। सभी जानते हैं किस तरीके से उनके में एक संगठन और नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया था। और नारा जब दिया तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इतना ओजस्वी ये नारा था कि सभी में जैसे जोश आ जाता है। आज भी हम सुनते तो लगता है कि वाकई कितना ओजपूर्ण ये वाक्य है। और आजाद हिंद रेडियो स्टेशन भी उन्होंने जर्मनी में शुरू किया, पूर्व एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया, जो वाकई बहुत मुश्किल काम है। जर्मनी में जाकर हिंद रेडियो शुरू करना, रेडियो स्टेशन, मुश्किल काम है। बिल्कुल, और इसी 1944 में रेडियो प्रसारण के समय उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था, और उनके जो अनमोल विचार हैं वो आज भी प्रेरणा देते हैं, और खासकर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए उन्होंने कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं, हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए, इस तरह के उन्होंने विचार दिए। और बुआ, उन्होंने ये भी विचार दिया कि आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती है। जी हाँ, और हमारे साथी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखकर भेजी है। हमारे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस थे वे एक स्वतंत्रता का संकल्प, अग्नि से ज्वलित उनका मन, विद्रोह की आग का बने वे विकल्प, स्वतंत्रता के महासंग्राम में नेतृत्व में थे वे एक महान योद्धा, वीरता की उच्चता में बढ़ाए सबके कदम, हिंद के नए आदर्शों में लिखी उनकी अद्भुत गाथा, सुभाष चंद्र बोस के सपनों को आगे बढ़ाते एक भारत श्रेष्ठ, भारत के विकास में योगदान देते, स्वतंत्रता और गरिमा के पथ पर चलते, उनके आदर्शों को हम सदैव पालते, आज उनकी जयंती पर हम सब मिलकर याद करें, उनके अद्भुत बलिदान को सुने और लिखें, हमेशा याद रखें उनके योगदान का महत्व, उनके अमर को स्वीकार करें और उन्हें नमन करें। और हमारे सभी साथी यही सब कुछ लिख रहे हैं, सुन लेते हैं एक गीत।
अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। और स्वागत कुछ इस तरीके से है कि हमारे साथी बार बार जो है कणकण में बसे हैं, राम लिख रही हैं कि पहचान सके तो पहचान कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है। तो कुछ ऐसी ही बातें और ऐसे ही भाव जो है वो तरह तरह से हमारे साथी प्रकट कर रहे हैं। और पराक्रम दिवस ने तो जैसे लग रहा है कि इसमें अलग ही एक और नया वो जोड़ दिया है। सुभाष चंद्र बोस को जब भी याद करते हैं तो लगता है कि कितना जो उनका व्यक्तित्व था बहुत ऊंचा था, बहुत कुछ सीखने वाला था, इतनी तीव्र कुशाग्र बुद्धि थी उनकी और किस तरह से देशभक्ति का जज्बा उनके रगों में था वो सीखने वाली बात है। दिल कर रहा है कि बस इन्हीं लोगों के बारे में बात करते रहे, लेकिन अभी तुम देख रही हो तो लग रहा है कि नहीं, हाँ गोंद की बात कर ले या नाव पर बैठ के माझी के साथ कहीं और चल चले। नाव के साथ चलते हैं तो चलते हैं जी। माझी है तो नैया है और नैया है तो माझी है, एक के बिना दूसरे की कोई बिसात नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। नैया के सहारे हम कहाँ से कहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। किनारा तो सबको चाहिए, सहारा सबको चाहिए, और जीवन के नैया भी अकेले नहीं चलती, किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ती ही है। साथ गुजारने के लिए चाहिए हम सफर का साथ, रिश्तों का साथ, परिवार और दोस्तों का साथ। जीवन रूपी नैया कभी मुसीबत के भंवर से तभी आसानी से निकल पाती है जब इन सब का साथ होता है। एक सहारा मिल जाए तो किनारा मिल ही जाता है। तुम्हारा भी नैया ढूंढे तुम्हारा।
जैसे सीता राम ले, जैसे राधा जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा मिले। हो कभी न कभी तो मिलन हो किनारे की तलाश हर किसी को होती है। फिर जीवन रूपी नाव में अगर आप सवार हो तो कभी दूसरे के हाथ में पतवार भी सौंप देते हैं और उसे सौंपते हैं जिस पर होता है पूरा विश्वास, प्रेम और समर्पण का भाव, पूरा भरोसा करते हैं एक आस्था की तरह, जैसे कि हम ईश्वर को सौंप देते हैं। कैसी भी विपत्ति आए, या आंधी तूफान बारिश, कैसी भी विपदा की घड़ी हो, हम उस पर विश्वास करते हैं जो हमारे जीवन को चला रहा है। प्रभु उस डोलती नैया को किनारे तक ले जाते हैं। ऐसे ही जब हम नैया संग होते हैं, वही भाव हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ये आस्था कितनी गहरी है, ये आप पर निर्भर है। दोले, दोले, मेरे जीवन की नैया पूरी कन्हैया, लहरों में खाए हिच भोले, डोले डोले डोले, मेरे जीवन की नैया पूरी कन्हैया, लहरों में खाए हिच भोले, डोले डोले डोले। अब ये पतवार आपने अपने जीवन साथी के हाथ में सौंप दी। प्रेम में, रिश्तों में ये तो होता है। जीवन में एक नया रंग,
नया नूर आता है जहां आप अपनी संपूर्ण हार को जीत का रूप देते हैं, क्योंकि दृष्टि प्रेम से भरी होती है। जो आपके मंजिल, आपका हम सफर, आपका हमसाया है, जिसकी एक मीठी नजर आपके सारे गम भुला देती है और खुशियां बिखेर दे आपकी राहों में, जहां घर या तो दिल में है या फिर आंखों में, तो नैया कितनी सशक्त इस पतवार से। माझी मेरी किस्मत के जी चाहे जहां ले चल, जी चाहे जहां ले चल। माझी मेरी किस्मत के जी चाहे जहां ले चल, चाहे जहां ले चल। किनारा मिले, सबको सहारा मिले, कई बार ये होता भी नहीं। चाहत तो होती है किनारा मिल जाए, लेकिन माझी किनारे पर नैया लेकर जाता है। कभी हवा का रुख उस तरफ नहीं होता, कभी स्वभाव की ये कश्ती जम सी जाती है। उसे भी खेना पड़ता है, विचारों के जरिए उसे बदलना पड़ता है। रिश्ते कागजों की तरह होते हैं, तो हल्की हवा से, हल्की बारिश से बिखर जाते हैं, नम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। किनारा भी तो किनारा चाहता है। यूं ही कश्तियों को कब तक बहते रहना होगा, कभी तो किनारे पर जाना चाहेंगी। जैसे प्रेम जीवन सहज कर सकता है, किनारा दे सकता है। धारा है ओ माजी।
कभी सुना तो होगा कहीं तो देखिए हम लोग आ गए हैं एक और किनारे, किनारे पर हुआ पर। तो जो हमने सेहत की तरफ बढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसा है कि किनारा जो है ना, हमारे साथियों ने बताया कि भाई सब किनारे, या हमने जो भी कहा कि किनारे पहुंचना सब कोई चाहता है, लेकिन किनारा मजबूत हो और जब हम पहुंचे किनारे पर तो हमारे कदम भी बहुत मजबूत हो। बिल्कुल। और बुआ गोंद की बात करें तो बचपन में हम नीम के पेड़ से रिश्ता हुआ गोंद कई बार हम लोग इकट्ठा कर लेते थे, तो आज वो सारी यादें भी उसके साथ में ताजा हो गई है। जी, बिल्कुल। गोंद के बारे में, गोंद में बुआ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और एंटी ऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, और गोंद के सेवन से हार्ट से लेकर यानी दिल की बीमारी से लेकर कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियों की संभावनाओं को ये कम करता है। तो इसके बारे में कैसे कम करता है, इसके बारे में तो जो आयुर्वेद है, ये जो चिकित्सक हैं, वो आप अच्छे से बता सकते हैं आप हम सभी को। गोंद की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिकतर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। लड्डू बनाकर खाया जाता है। हड्डियों जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा होता है, इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे की माँ को जरूर खिलाया जाता है। इसमें शरीर के दर्द में बहुत फायदा होता है। बबूल का गोंद, हमारे साथी इन्होंने यही लिखा है कि ज्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बात लिखी है। और सर्दियों में गोंद को खाने से कहते हैं पुरानी खांसी, जुकाम, फ्लू और इन्फेक्शन जैसी जो समस्या होती है वो पास फटकने नहीं आती हैं, और पाचन क्रिया भी इससे दुरुस्त रहती है, जैसे कि कब्ज है, एसिडिटी में इससे लाभ मिलता है। और जो गर्भवती बहनें होती हैं उनको कहते हैं कि जब एक तो बच्चे होने के बाद उनको लड्डू खाने को गोंद के दिए जाते हैं जिससे ताकत मिलती है और हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ती है। तो गोंद के जो गुण हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और ऐसे हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि लड़कियों को दिया जाता है, कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है, कहते हैं कि पुरुषों को नहीं खाना चाहिए, ये हमारे साथी लिख रही हैं। और भी बहुत सारी जो जानकारी हमारे साथियों ने साझा की है जी। और गोंद के लड्डू बना सकते हैं आप, इसकी पंजीरी बना लें, चिक्की बना लें, और गोंद कई तरह के होते हैं, जैसे हमने नीम की,
गोंद की बात करी है, पलाश का भी गोंद होता है बुआ, और कीकर का गोंद भी हमने पढ़ा कि वो भी होता है, और आयुर्वेदिक दवाओं में इसका इस्तेमाल बहुतायत किया जाता है। भाई हमें तो लड्डू में बहुत अच्छा लगता है, जो क्रंची क्रंची आता है, कैरेमल सा और कुरकुरा सा हो जाता है, छोटे छोटे जो उसके कण आते हैं ना, तो वो बिल्कुल स्वाद में इतनी बढ़ोतरी कर देते हैं। और जैसे कि आटे का लड्डू हो या सोठ आदि जो बनता है, सोठौरा जिसको बोलते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगता है। और सौर में तो कहते हैं, सौर में कहते क्या है, मतलब बनाई ही जाती है, केवल गोंद की बर्फी बनाई जाती है, कतली जैसे बोलते हैं, क्या बात है। और बुआ गोंद का अगर बनाना है तो देसी घी में थोड़ा सा आटा लेकर भून ले, उसमें भुने मखाने मेवे भी भून कर उसमें डाल दे, और गुड़ डालकर आप उसका बढ़िया सा लड्डू बना ले तो बहुत मजा अच्छा लगेगा ना। गोंद का पौधा एक उत्सर्जी पदार्थ है जो कोशिका भित्ति के सेलुलोज के अपघटन के फलस्वरूप बनता है। सूखी अवस्था में यह रवा के रूप में पाया जाता है, किंतु पानी में डालने पर यह फूलकर चिपचिपा बन जाता है। इसका उपयोग कागज आदि विभिन्न पदार्थों को चिपकाने में होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत खूब फायदेमंद है। अकेशिया सेनेगल से हमें सबसे अच्छा गोंद मिलता है, बबूल आम और नीम आदि पौधों से भी गोंद निकलता है। इसका उपयोग दवा बनाने एवं विभिन्न उद्योग धंधों में होता है, ये हमारे साथी ने बताया है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी साथियों ने दी है। और साथ साथ वजन घटाने में भी गोंद काम करता है, एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है, और जो आप एक तरीके से भी ले सकते हैं, सूखा खजूर है, नारियल पाउडर, खसखस के दाने, बादाम और गोंद, इनको भी भून करके हम बहुत बढ़िया ताकतवर लड्डू बना सकते हैं, खा सकते हैं। क्या बताया एक बार फिर से बताओ। सूखा खजूर लेना है, उसकी गुठली निकाल के उसको अच्छे से टुकड़े टुकड़े में कर लेना है, और नारियल पाउडर, खसखस के दाने और बादाम, इन सबको पीस करके या काट करके मिला लीजिए गोंद को भी घी में भून कर, और बस आप इसका लड्डू बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। तो यही तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि गोंद महिलाओं के लिए अच्छी औषधि है, चाहे तो लड्डू बनाकर खाएं, घी में फुलाकर रख लें, फिर गर्म दूध में मिलाकर पीने से ताकत आती है, लेडीज प्रॉब्लम दूर होती है, ज्यादा उपवास के बाद भी इसको पानी में मिलाकर पात बनाकर पीने से गले सही हो जाते हैं, फूले हुए गोंद में शक्कर का बूरा, नारियल बूरा मिलाकर खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हमें गीत जब आप सुनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, जानी न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, जानी न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मुस्काया।
तो देखिए बुआ ये गीत इतना प्यारा सा था बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्राथमिक शाला में जब पढ़ता था तब रिश्ते रास्ते में हम दोस्त रिसेस में हम दोस्त नीम के गोंद उखाड़ कर गोंद से अपनी पुस्तक की मरम्मत करते थे। बिल्कुल सही बात, तो भाई बड़ी मजेदार बात है। और ये सब चीजें बहुत होती थी बचपन में, किस किन चीजों से जोड़ा जाता था हम लोगों के, जैसे सूप आदि जो होता था उसको जोड़ने के लिए पता है क्या करते थे इस्तेमाल, जो बेल होता है उसके अंदर जो उसके बीज निकलती है उसमें बहुत चिपकाने का पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, तो उसके बीज में से जो निकलता था पारदर्शी उससे जोड़ा जाता था, उसको कपड़े लगा के उसमें लगा के चिपका दिया जाता था। हम लोग तो गोंद इकट्ठा कर लेते थे और जब जन्माष्टमी में पतंगी झालर बनाते थे तो उसको चिपकाने के बहुत काम आता था। तो इस तरीके के तरह तरह से काम होते थे, लेकिन फिलहाल इन सब कामों को दीजिए विराम क्योंकि समय हो चला है अलविदा कहने का। तो मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली सहेली।